यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं। और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे। और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी, वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी। और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है, तो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे।